कानों में पहनने के लिए काफी कंफर्टेबल बनाते हैं इनको। यस वेरी गुड, चार्जिंग स्टेटस भी दिखा रहा है। अगर मैं दो बार टैप करता हूं लेफ्ट वाले पर तो ये वॉल्यूम को कम करेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? दोस्तों आज मैं आपके लिए क्या हूं, स्वॉट के TWS एयरपोर्ट ईयरलिट 006। इसमें आपको गूगल असिस्टेंस की सपोर्ट मिल जाएगी, 400 mAh की बैटरी है केस में और 40 mAh की बैटरी आपको ईयरबड्स मिल जाएगी, 2 से 3 घंटे तक का टॉक टाइम मिल जाएगा और ये USB टाइप सी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों आज करते हैं इन ईयरपॉड्स को अनबॉक्स, देखते हैं इनके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये खरीदने लायक हैं। तो चलिए देखते हैं आज ये सब। शॉर्ट के ये ईयरलिट्स 006 आते हैं कुछ इस टाइप की पैकिंग में। कैसे ये दिखते हैं यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें सुपर एक्स्ट्रा बास मिल जाएगा, गूगल असिस्टेंस की सपोर्ट है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है, 400 mAh की सुपर बैटरी है, डिजाइन टू फिजिकल एक्सरसाइज और प्राउडली ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। सेम थिंग यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर इसके मेन फीचर्स के बारे में बताया गया है। इसको चार्ज करने में अराउंड 60 मिनट्स लगते हैं और एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद ये आपको 2 से 3 घंटे तक का टॉक टाइम दे देते हैं। बर्ड्स को पावर कर रहा है 40 mAh की बैटरी और पावर पोर्ट पर आपको 400 mAh की बैटरी मिल जाएगी और ये टाइप सी फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। बॉक्स पर MRP लिखी हुई है 2199 रुपीज़, जबकि आपको Amazon पर इससे कहीं सस्ते पर मिल जाएंगे। बाकी के इसके फीचर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये किन किन को सर्टिफाई करता है यहाँ पर दिखाया गया है और ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो ये है बॉक्स जिसमें ये एयरपॉड्स आते हैं। तो चलिए अब करते हैं इसको फटाफट से अनबॉक्स। बॉक्स में एक तो ये मेन केस है और एयरपॉड्स इसी के अंदर आपको मिल जाएंगे। यहां पर बैटरी परसेंटेज भी ये दिखा रहा है। आगे हैं ये दो स्टिकर्स, कुछ एक्स्ट्रा एयरप्लग्स भी आपको बॉक्स में मिल जाते हैं और साथ में एक टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल। क्वालिटी वाइज तो ज़्यादा कुछ मैं कहूँगा नहीं इसको। और फाइनली है इसका यूज़र मैनुअल जिसको पढ़कर आप इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे पेयर करना है, कैसे कंट्रोल करना है सब कुछ जान सकते हो। और इसमें आपको इसकी स्पेक्स, इसके फीचर्स, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस ये सब कुछ भी पढ़ने को मिल जाएंगे। तो बस यही कुछ आता है इसके डिब्बे में। चलिए अब देख लेते हैं इन एयरपॉड्स को। तो कुछ इस टाइप की केसिंग में ये एयरपॉड्स आते हैं। प्लास्टिक की केसिंग है, स्ट्रॉन्ग केसिंग है और इसमें आगे के साइड को बैटरी परसेंटेज बता रहा है और साथ में कौन से एयरपॉड्स इस समय चार्ज हो रहे हैं ये भी दिखा रहा है। जैसे कि अगर मैं इसको निकाल के वापस लगा देता हूँ तो ये चार्ज होना शुरू हो जाते हैं राइट एंड लेफ्ट। चार्जिंग स्टेटस भी दिखा रहा है। स्वॉट लिखा हुआ यहाँ पर नीचे की साइड को। टाइप सी यूएसबी पोर्ट है फॉर चार्जिंग दिस एयरपॉड्स। तो केस तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया लग रहा है, स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट है काफ़ी और काफ़ी स्मूथ भी है। यस काफ़ी स्मूथ है ये। आइए अब एयरपॉड्स को बाहर निकालते हैं। ये राइट वाला हो गया और ये लेफ्ट वाला। तो दिखने में ये एयरपॉड्स कुछ इस टाइप के हैं, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन लग रहा है और आई थिंक दैट कि ये काफ़ी कंफर्टेबली कानों में फिट भी हो जाएंगे। देख लीजिए डिज़ाइन तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है और काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे हैं कानों में। तो जो यहाँ पर आपको कर्वेचर मिल रहा है ये कानों में पहनने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल बनाते हैं इनको। यस वेरी गुड। तो लुक एंड डिज़ाइन कुछ इस टाइप से है। आपको आगे की साइड को मेन ड्राइवर मिल जाएगा, मैश लगी हुई है सो डैट की जो आवाज़ है वो काफ़ी बढ़िया होके बाहर निकले और साथ में डर्ट डस्ट अंदर एंटर ना करे। और जो एयर प्लग्स हैं वो भी काफ़ी टाइट हैं, इतनी आसानी से ये निकल नहीं रहे। ये राइट वाला हो गया। यहाँ पर इंडिकेटिंग LED है, ब्लू और रेड कलर में इसमें जल रही है, मतलब कि पेयरिंग मोड पर है। ये शॉर्ट लिखा हुआ है और ये टच सेंसिटिव बटन्स हैं। यहाँ पर आपको दो पोगो पिंस मिल जाएंगी जिसके जरिए ये जो एयरपॉड्स हैं ये केस में चार्ज होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये लेफ्ट वाला भी है।
तो कंस्ट्रक्शन वाइज तो दोस्तों मैं कहूँगा कि काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे हैं कानों में, और एक गिर भी नहीं रहे, वाओ। और डेफिनेटली ईयर प्लग्स हैं तो नॉइस, जो इन्वायरमेंटल नॉइस है वो दोस्तों बिल्कुल बंद हो जा रही है, गायब हो जा रही है। तो लुक एंड डिज़ाइन वाइज तो दोस्तों मैं इन ईयर पॉड्स को तो काफ़ी बढ़िया कहूँगा, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, काफ़ी स्मूथ से भी हैं और काफ़ी स्ट्रांग भी हैं, और केस भी काफ़ी बढ़िया साथ में आता है। और आप इन ईयर पॉड्स को इसके केस में रख के चार्ज भी कर सकते हो, तो डिज़ाइन एंड लुक काफ़ी बढ़िया। चलिए अब इनको सेटअप करते हैं। यहाँ पर मैं अपने नोट 10 प्लस पर इसको सेटअप करने जा रहा हूँ, स्वॉट एयरलिट 006। तो ये कनेक्ट हो चुके हैं, 100% बैटरी है। चलिए अब इस पर कुछ म्यूजिक प्ले करके देखते हैं। चलिए कुछ और सुनते हैं। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया म्यूजिक प्ले तो मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा इन ईयरपॉड्स के ऊपर। आवाज़ काफ़ी अच्छी है, लो टोन्स, मिड टोन्स, हाई टोन्स सभी को ये काफ़ी बढ़िया से प्ले करता है, और इवन दोस्तों बास भी इसका काफ़ी अच्छा है। बस दोस्तों थोड़ा सा वॉल्यूम अगर आप ज़्यादा हाई रखते हो तो जो स्पीकर्स हैं इसके, मतलब कि जो इसके ड्राइवर्स हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब करने लग जाते हैं, बट मीडियम और थोड़ा सा हाई मीडियम पर आपको काफ़ी अच्छी आवाज़ सुनती है। मे भी दोस्तों यहाँ पर मैं अगर इन ईयर प्लग्स को चेंज कर दूँ, छोटे वाले लगा लूँ, तो शायद ये प्रॉब्लम भी ना सुने। तो बाकी बाकी आवाज़ काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी आपको इससे साउंड मिलेगी। तो गाने सुनने के मामले में तो दोस्तों मैं इसको कहूँगा कि काफ़ी बढ़िया है। चलिए अब इस पर कॉल को भी एक बार करके देख लेते हैं और देखते हैं कि इसके माइक्रोफोन्स कैसे वर्क करते हैं। ये जो अभी आप आवाज सुन रहे हो इसी के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। मैं एक कॉल के ऊपर हूँ। हेलो, टेस्टिंग दिस माइक। हेलो हेलो, आप इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हो कि जिससे आवाज से रिकॉर्ड होने वाली है। तो माइक्रोफोन की आवाज़ की क्वालिटी का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हो। चलिए दोस्तों मैं इसके ऊपर आपको कुछ फंक्शंस को भी दिखा देता हूँ, जैसे कि अगर आपको इन ईयर पोर्ट्स को मैन्युअली ऑन ऑफ करना है तो आपको इसके ऊपर के ये जो टच बटन है इसको 2 या 3 सेकंड के लिए दबा कर रखना होगा। अगर दोस्तों आप इन दोनों ईयर पोर्ट्स को आपस में पेयर करना चाहते हो तो आपको 5 सेकंड तक के लिए इन दोनों के ऊपर टच बटन को टैप एंड होल्ड करना होगा। अगर आप म्यूजिक कंट्रोल करना चाहते हो, जैसे कि इस समय ये गाना चल रहा है इसके ऊपर, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो ट्रैक है ये पॉज हो जाए, तो मैं यहाँ पर इसको एक बार टैप करूँगा तो जो ट्रैक है वो पॉज हो जाएगा, और फिर से अगर एक बार टैप करूँगा तो ट्रैक जो प्ले हो जाएगा। आप देख लीजिए पॉज हो जा रहा है, एक बार टैप करने पर फिर प्ले हो जा रहा है। अगर मैं इसको 3 बार टैप करूँगा तो ये ट्रैक को चेंज कर देगा। अगर मैं राइट वाले पे करूंगा तो ये ट्रैक को आगे ले जाएगा, और अगर मैं लेफ्ट वाले पे करूंगा तो ये ट्रैक को पीछे ले जाएगा। अगर मैं 2 बार टैप करता हूँ लेफ्ट वाले पर तो ये वॉल्यूम को कम करेगा, और अगर मैं राइट वाले पर 2 बार टैप करूंगा तो ये वॉल्यूम को बढ़ाएगा। साथ ही में आपको इन ईयरपॉड्स के अंदर गूगल असिस्टेंस की भी सपोर्ट मिल जाती है, इसके लिए आपको इस फिजिकल बटन को टैप एंड होल्ड करना होगा। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? दस बजे का अलार्म लगाओ। ऐसे दोस्तों आप इनकमिंग कॉल को भी डायरेक्टली इन ईयरपॉड्स की मदद से हैंडल कर सकते हो, सिंगल टैप से आप उठा सकते हो और सिंगल टैप से आप कनेक्टेड कॉल को डिसकनेक्ट कर सकते हो। तो ये रहे शॉट के ईयरलिट्स 006, जो कि नो डाउट लुक एंड डिजाइन वाइज तो काफी बढ़िया है ही हैं, साथ में ये काफी कंफर्टेबल हैं, इजिली पहने जाते हैं, काफी
अच्छे से फिट हो जाते हैं, आवाज़ भी काफ़ी बढ़िया है। स्पेशली कहा जाए अगर आप गाने सुनते हो तो उस पर्पज़ के लिए ये काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको आवाज़ सुनने को मिलती है। और इवन इसका जो टच कंट्रोल है वो भी काफ़ी बढ़िया है, आप डायरेक्टली इन ईयर पॉड्स की मदद से ट्रैक्स को चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो, इवन ट्रैक को पॉज प्ले कर सकते हो, और कॉल को भी आप डायरेक्टली इन ईयर पॉड्स की मदद से हैंडल कर सकते हो। तो लुक एंड डिज़ाइन बढ़िया, परफॉर्मेंस बढ़िया, ऑडियो बढ़िया, तो मैं तो इनको रेकमेंड करता हूँ। बाकी आप बताइए कि आपको ये ईयरपॉड्स कैसे लगे। अगर आप इन ईयरपॉड्स को मंगवाना चाहते हो तो इनके जो लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर जाके इनको खरीद सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।